जनपद में 4 मई को नगर निकाय चुनाव के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन से पोलिंग पार्टियों को सभी सामग्री के साथ पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि 4 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। गोरखपुर नगर निगम में 80 वार्ड हैं, जिसके लिए 827 पोलिंग बूथ और 192 मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन से सभी सामग्री के साथ रवाना किया गया है और हर वार्ड की देखरेख करने के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जो कि पोलिंग पार्टियों की मदद करेंगे। नगर निगम में 2 वोट पड़ेगा, जिससे एक पार्षद व एक महापौर के लिए पड़ेगा। सभी मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रहेगा। सभी मतदान केंद्र पर 100 मीटर तक कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, वहां पर केवल मतदान करने वाले नागरिक ही रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग वाणिज्य संकाय विश्वविद्यालय में हैं। विश्वविद्यालय से ही नगर निगम की पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। नगर निगम में कुल 827 बूथ हैं। सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां यहीं से रवाना हो रही हैं। कुल 80 वार्ड हैं, 192 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक वार्ड के लिए एक अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, जो पोलिंग पार्टियों की हेल्प कर रहे हैं। और अभी 1 घंटे या 2 घंटे बाद जब पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो जाएंगी, तो प्रत्येक मतदान केंद्र का निरीक्षण करके ये सुनिश्चित कराएंगे कि पूरे मतदान कर्मी वहां पहुंच गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में जो मतदान होना है वो ईवीएम पे होना है, और 2 वोट पड़ने हैं, एक मेयर पद का और एक पार्षद पद के लिए। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, जो भी व्यक्ति वोट देने के लिए कल सुबह जाएंगे, अर्थात 4 मई 2023 को सुबह 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मतदान का कार्य होगा। मेरा अनुरोध है सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें।